इस लड़की के हेड में ये क्या है, रे रे दो हॉर्न है, दो हॉर्न आप देख सकते हैं। तो फनी मूड में ये लड़की देखने आई है क्रिश्चियन समाज को। तो भारत में क्रिश्चियन समाज कैसे रहता है, मींस क्रिश्चियन इन इंडिया। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, और एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं और इसका मीनिंग क्या है तो ये भी पता चल जाएगा। तो मैं भारत के उस एरिया में हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा, लगभग सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन समाज रहते हैं। ये आप पहनावा देख के पहचान सकते हैं, ये है केरला, और केरला का फेमस सिटी कोची सिटी। तो यहाँ पे ये जो ड्रमर हैं ये क्रिश्चियन और हिंदू दोनों हैं, बट ये ड्रमर का काम कर रहे हैं, और इसके जो पीछे ये पूरी पूरी कम्युनिटी है, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो कि इंडिया में रह रही है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग रहते हैं। मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे देखने से जो पता चल रहा है मैं उससे बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि ये सभी एंग्लो इंडियन हैं, क्योंकि जब 17वीं या 18वीं शताब्दी में लगभग ब्रिटिशर्स आए थे, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर शादियाँ की थी, और ये उन्हीं की जनरेशन है। तो आप लोग सोच रहे हो कि एंग्लो इंडियंस का मीनिंग क्या है, तो पहले मैं आपको एंग्लो इंडियंस की मीनिंग को दिखा देता हूँ, जो कि गूगल भी बताता है और यही मान्य है। अब आपको पता चलेगा कि एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं या किन्हें कहते हैं, एंग्लो इंडियंस कौन हैं। तो एंग्लो इंडियन इन इंडिया ए सिटीजन ऑफ मिक्स्ड इंडियन एंड थ्रू द पेरेंटल लाइन यूरोपियन एंसेस्ट्री, मतलब पिता, जिसका पिता यूरोपियन कंट्री से हो या फिर ब्रिटिशर्स हो बोल सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियंस। जैसा कि क्या था, ब्रिटिशर्स बहुत सारे लोग इंडिया में आए थे, और यहाँ पर लड़कियाँ थी, इंडियन थी, लेकिन उनके पास जो थी उनके कंट्री की लड़कियाँ नहीं थी, तो मजबूरन उन्हें इंडियन लड़कियों से शादी करना पड़ा, और इसी से नाम एक उत्पन्न हुआ, एंग्लो इंडियंस। मतलब उनका जो फादर था वो ब्रिटिशर्स हो या यूरोपियन कंट्री से हो, और जो उसकी मदर हो वो इंडियंस हो, उन्हें बोलते हैं एंग्लो इंडियंस। तो ये उन्हीं की जनरेशन है, और आप देख सकते हैं ये सारे एंग्लो इंडियंस केरला के कोची सिटी में रह रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा है। ये लगभग मैं आधे घंटे हो गए, ये वीडियो तो आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो लगभग आधे घंटे हो गए, और ये लाइन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो ये इनका आज क्या है ऐसा कि ये लोग इसी लाइन में एक तरफ से दूसरे तरफ की ओर जा रहे हैं। तो मैंने पता करने की कोशिश किया, तो यहाँ पर लोगों ने मुझे बताया कि आज इनके चर्च का इनॉग्रेशन, या फिर ये बोले कि स्थापना हुई थी आज के ही दिन, और आज ये चर्च लगभग 75 साल हो गए हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मतलब इन्होंने बोला कि हम लोग ये रैली करते हैं, जिससे हम लोगों का सेलिब्रेशन होगा, चर्च का सेलिब्रेशन होगा, जैसे कि आप लोग मंदिरों में करते हैं या फिर मस्जिदों में करते हैं, वैसे हम लोग अपने चर्च का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लड़कियां, बुजुर्ग, बच्चे, कपल, सब लोग यहाँ पे आए हैं, और कुछ फनी लड़कियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं सींग लगा के, हॉर्न लगा के, देख सकते हैं आप। तो ऐसा माहौल है यहाँ पे। और अगर बात की जाए कि इनकी सिचुएशन की, तो ऐसा नहीं है कि ये सारे एंग्लो इंडियंस रिच ही हैं, ऐसा नहीं है, बट ये मैक्सिमम रिच पीपल है, क्योंकि इनकी जनरेशन है जो एंग्लो इंडियंस थी, तो उन्हीं के जो इंसेस्टर थे, उनका जो संपत्ति था, धन था, उन्हीं का ये फॉलो करते आ रहे हैं, और मेन सिटी में रहते हैं ये लोग, और केरला में कोची में सबसे ज़्यादा इस प्लेस में रहते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा एक साथ क्रिश्चियन इसी जगह पे रहते हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, बट मैंने रिसर्च किया और मैंने पाया कि सबसे ज़्यादा यहीं पर है। मैं अपनी कोची यात्रा के दौरान जब यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि अचानक बहुत ज़्यादा भीड़ जा रही है, तो मैं भी यहीं पर रुक गया
गया और यहाँ पर देखने का प्रयास किया कि ये क्या चल रहा है, इन लोगों को समझने का प्रयास किया। कोई वाइब्रेंट नहीं था, बट ये पटाखे वगैरह चल रहे थे पूरा धूमधाम से। आगे ड्रमर को आपने देखा, उसके साथ जा रहे हैं, तो मतलब पूरा इंजॉय कर रहे हैं ये लोग। तो ये लाइन लगभग अगर बात की जाए तो 2 किलोमीटर लंबी लाइन है। और इनके चर्च का भी आप देखेंगे कि वो आएगा, चर्च का मतलब इनका जो प्रीस्ट होगा वो आएगा एक रथ में बैठ के, तो वो भी अभी पीछे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये लोग ऐसा सेलिब्रेट करते हैं, और भारत में क्रिश्चियन समाज या फिर ये कहें कि क्रिश्चियन कम्युनिटी इन इंडिया ऐसे रहती है, पूरे शांत भाव से रह रही है मेरे हिसाब से। अगर आप टीवी चैनल देखना बंद करेंगे, वो भी न्यूज़ चैनल, तो आपको सब अच्छा ही दिखेगा। तो मेरे हिसाब से सब अच्छे लोग थे। मैंने यहाँ पे बात करने की कोशिश किया, सभी लोगों को हिंदी तो नहीं आती थी, बट मुझे मेरा उन्होंने आंसर बहुत अच्छे से दिया। ये आप देख सकते हैं प्रीस्ट का रथ है, और ये कैसे डेकोरेशन किया हुआ आप देख सकते हैं माहौल यहाँ का। तो ये प्रीस्ट है, लास्ट में ये ट्रैवल कर रहा है, और ये पूरे अपने एरिया में जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहाँ पे घूमेंगे, उसके बाद ये इनकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो आई होप आपको आप समझ में आ गया होगा कि एंग्लो इंडियंस किन्हें कहते हैं, और ये भी समझ में आ गया होगा कि क्रिश्चियन समाज भारत में कैसे रहता है। तो आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।